आज रोजगार में पत्र वितरण का कार्यक्रम था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये गणेश उत्सव देश के लिए बड़ा ही खास बनाया। पहले तो नए संसद भवन में गणेश उत्सव का संकल्प लेकर हमने महिला आरक्षण के बिल को, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित होते देखा। आज रोजगार मेले में देश भर में 40 से ज्यादा स्थलों पर 50,000 से ज्यादा नौजवानों को राष्ट्र की सेवा का विभिन्न मंत्रालयों के सौजन्य से उन्होंने मौका दिया। लखनऊ में आज हम 218 ऐसे अभ्यर्थियों को डाक विभाग के सौजन्य से 10 विभागों के समन्वय से आज प्रोत्साहित करके अपॉइंटमेंट लेटर दे पाए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, कांग्रेस नेत यूपीए के कार्यकाल में पूरी की पूरी सरकारी व्यवस्था में 6 लाख से भी कम नौकरियां दी गईं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के शुभ हस्तों द्वारा 9 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियों में भर्ती संभव हो पाई है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 10 लाख तक इस नंबर को हम लोग लेकर जाएंगे। आज जिन जिन अभ्यर्थियों को राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिल रहा है उनको विशेष बधाई और उनके परिजनों को अभिनंदन। थैंक यू। और कोई अदर क्वेश्चन? मैम हाँ भैया, मैं अचंभित हूँ कि कांग्रेस के गांधी खानदान द्वारा संचालित अस्पताल में एक महिला की मौत होती है अस्पताल की व्यवस्था की वजह से। उस मृत महिला के परिवार को सहारा देने की बजाय जिन लोगों ने एक पेशेंट को मौत के घाट उतारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय कांग्रेस उनका मुनाफा बंद हो रहा है, इस पर रो रही है। क्या अमेठी के एक साधारण नागरिक की जान की कीमत कुछ नहीं?